सरोजेंद्र सनातनी में आप सभी श्रद्धेय श्री राम भक्तों का स्वागत है। अभी तक अरण्य कांड की कथा में हमने सुना कि प्रभु श्री राम और माता सीता तथा लक्ष्मण जी अत्रि मुनि के आश्रम में आ पहुँचे हैं और अत्रि मुनि ने प्रभु श्री राम की बहुत ही सुंदर वंदना की है। माता अनुसुईया ने सीता जी को कभी न मैले होने वाले वस्त्र और आभूषण प्रदान किए हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभु कर पंकज कपिकैसीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल सादर सुनहि जेतन पर राम रही अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन का दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप परिहरि सकल भरोस राम ही भजई ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है ना ज्ञान है और ना योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनिपद कमल नाई कर सीसा चले बनही सुर नर मुनीसा आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनिबर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी सरिता बन गिरी अवघट घाटा पति पहचान देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जह जह जाहि देव रघुराया करहीं मेघ तह तह नभ छाया मिला असुर बिराध मग जाता आवतहि रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप तेहि पावा देख दुखी निज धाम पठावा पुनि आए जहाँ मुनि सर भंगा सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। प्रभु कर पंकज कपिकर सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा देखि राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भ्रंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शर भंग जी का जन्म धन्य है कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला संकर मानस राज मराला जात रहू बिरंच के धामा सुनेऊ श्रवण बन ऐहि रामा। मुनि ने कहा हे कृपालु रघुवीर हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे चितवत पंथ रहूं दिन राती अब प्रभु देख जुड़ानी छाती नाथ सकल साधन मैं हीना कीनी कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ मैं सब साधनों से हीन हूँ
आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राखे जन मन चोरा। तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिलाऊं तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देई भगति बर लीन्हा। एहि बिद सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। प्रभु कर पंकज कपिका सीसा, सुमिर सदसा मगन गौरी सा। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अगिनतन जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयो, प्रथमहि भेद भगति बर लयो। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बरगति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिबर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अतिदाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले, श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूछे कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। प्रभु कर पंकज कपिकय सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। निश्चरहीन करौ मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे, उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवन श्रवण सुनिपावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर करिहिं दाया।
उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई, मोरे जिय भरोस ढर नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हुई है सुफल आजु मम लोचन, देख बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। दिशी अरु विधि से पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। कब हुक फिर पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करई गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तर ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकल हीन मन फनिभर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखदामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परे उलकुट एव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बरबड़ भागी। भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीत राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुही जनु भेंट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों।
प्रभु कर पंकज कपिकय सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। तब मुनि हृदय धीर धरि गहि पद बारही बार निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनो बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्दोत अंजोरी। मुनि कहने लगे हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम तामरस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाणी चाप शर कटितूणीरम, नौमी निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु, निश्चर करि वरूथ मृग राजा, त्रातु सदानो भव खग बाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमी राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गादह, शमन सुकर्कश तर्क विषादह, भव भंजन रंजन सुरयूथा, त्रातु सदानो कृपावरूथा। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम, अमलम अखिलम मन वद्ध मपारम, नौमी राम भंजन मही भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आरामह, तर्जन क्रोध लोभ मद कामह, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल विभंजन नामा, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामा, संतत शम तनोति मम रामा। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानिह ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सुराम हृदय मम ऐना।
हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हों वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कोसलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुर हर्ष मुनि बर उरलाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मागहु देउ सुतोही। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। और कहा हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं। तुम ही नीक लागए रघुराय, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देह मोहि जो भावा। तब मुनि बोले प्रभु ने जो वरदान दिया वो तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, हे राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एव मस्तु करि रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन उपाए, भये मोहि एहि आश्रम आए। एव मस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बेसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुती छन गुरु पही गयो, करी दंडवत कहत अस भयो। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण मुनि तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कोसलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निस दिनु देव जपत हहु जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल उछाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरलाए। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े, भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे यानी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि ब्रंदा, हर से सब बेलो की सुख कंदा।
वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। प्रभु कर पंकज कपिका सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। आज श्री राम कथा को यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा में जानेंगे कि प्रभु किस प्रकार से शबरी जी के आश्रम पहुँचे और रास्ते में उन्होंने क्या क्या कौतुक किए। तब तक आप सुनते रहिए ये मन को हर्षित कर देने वाली सुंदर श्री राम कथा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम जी की।